hello everyone welcome back to insarkari today we will be covering the newspaper for 29th of june 2024 first of all we are talking about dark patterns of the big tech firms and the role of competition competition commission of india and it will be focusing on these dark patterns which are lead, which are misleading the customers so dark pattern ka इन पैटर्न्स का यूज करती हैं कि कैसे जो लोग हैं वो परसीव कर रहे हैं क्या चॉइसेस वो बना रहे हैं अपने ऑनलाइन स्पेसेस में तो क्या परचेजेस वो कर रहे हैं उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है ये जो डार्क का यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड किसी बेसिक प्रोडक्ट को लेके क्या कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर चल रहा है तो उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो देन यहाँ पे रोल आता है सेंट्रल कस्टमर प्रोडक्शन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सीसीपीए जिसने आइडेंटिफाई किया एंड बैन किया ऐसे थर्टीन डार्क पैटर्न्स को जिनको ई कॉमर्स वेबसाइट पे डिप्लॉय किया गया था इन इंडिया कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसको इंट्रोड्यूस किया गया जिसके थ्रू कुछ चेंजेस को लेके आया गया जिसमें डीवीटी को ऐड किया गया दैट इज डील वैल्यू थ्रेश नई कैटेगरी बनाई गई ताकि डील किया जा सके एंड बेसिकली आईडेंटिफाई किया जा सके कि, कि कोई कंसर्न जो है वो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है कि नहीं आता है कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इंट्रोड्यूसड ऑफ चेंजेस इंक्लूडिंग As a new category to determine whether uh, a deal comes under this the jurisdiction or not. And Competition Commission of India is a statutory body under the Competition Act of 2002. So it the primary mandate is to again promote and sustain healthy competition, a fair competition in the Indian markets, for example, on the e-commerce websites, the online platform, preventing anti-competitive practices, and then again protecting ultimately the consumer interest. So uh, these are certain things. And when we're talking about dark patterns, though, when talking about their definition, so in a way we are seeing their usage on the online advertisements. So they compel the user or in a way, they are uh, we can say, ki molding the decision making powers of the consumers in order to buy a particular good or a particular services. Which is not necessary for them, but they are designed in such a manner that they end up buying that service. So as we are seeing that CCI chairperson Ravneet Kaur, ma'am, she has said that we are looking at how people can be conditioned to make certain choices in the online space. So regulation of social media and again the advertising practices, which is uh, we are seeing that there is heavy dependence upon the. की जाती है। जैसे की इमिडियट परचेज कोई कर पाए जैसे की बहुत ज्यादा उस पे हम बोल सकते ऑफ दिखा दिया जाता है जब एंड में आप कार्ट में एड करते हो तो उतना ऑफ लग नहीं रहा होता है उसके ऊपर

बाय डिफॉल्ट uh, वो ऑलरेडी मतलब मार्क्ड होता है कि मंथली बेसिस पे वो या इयरली बेसिस पे ऑटो रेन्यू होता रहेगा और इवन टॉप अप में भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कि ऑटो टॉप अप एक ऑप्शन होता है जो अगेन बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि मंथली बेसिस पे अगर आप इतना अमाउंट सपोज आप कोई अमाउंट ऐड कर रहे हो अपने वॉलेट मोबाइल वॉलेट में तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है कि आप हर महीना वो अपने आप ऐड हो जाएगा तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके एयरलाइन प्राइसेस के भी हमने बात करी थी और या फिर हॉलीडे uh, से रिलेटेड जो एडवर्टाजमेंट होती है सो दे आर डिजाइन सच इन सच अ फैंसी मैनर और जो आपने बोला पैकेजेस होते हैं डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं बट अगेन दैट इज नॉट द ट्रू इन्फॉर्मेशन यस नेक्स्ट आर टॉकिंग अबाउट ब्लू कॉलर जॉब्स

वर्ल्ड so so का लार्जेस्ट जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इम्प्लॉयमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन साउदी अरेबिया एंड वी सी दैट इंटन डाइसोरमूव टू दिडल ईस्ट कंट्रीज बिकॉज अगेन दे दे

इंडियंस की भी बात नहीं करे तो of so unki safety, unki rights, getting, uh, the हमने

तो फिजिकल डेफिसिट सबसे पहले बात करते हैं क्या होते हैं फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो गया उसके रेवेन्यू से मतलब जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड ज्यादा कर रही है एंड अर्न कम कर रही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मनी बोरो करना पड़ता है या फिर अपने एसेट्स जो है उसको सेल करना पड़ता है फिजिकल सरप्लस की बात करते हैं तो वाइस वर्सा जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो ज्यादा होता है इफ यू कंपेयर इट टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट

रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑल्सो सींग सर्टन अमाउंट ऑफ डिक्लाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर हाफ हुआ है तो हम यहाँ बात कर हैं जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कैसे हम कम कर रहे हैं जो डेटा उसको सब्सटैंशिएट कर रहा है और आरबीआई फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है डिपेंडिंग अपॉन अगेन इट्स इनकम एंड परफॉर्मेंस वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है तो उसका भी शेयर इंक्रीज हुआ है तो फिजिकल डेफिसिट को कम करने में हेल्प कर रहा है एंड इन द मंथ ऑफ मई वी आर सीइंग कि फिजिकल सरप्लस हुआ बिकॉज अगेन वी हैड इलेक्शंस तो उस टाइम पे दी दिस पेंडिंग वाज लेस तो रिलेटिवली एक्सपेंडिचर उतना ही था या उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिली या जब हम इवन जीएसटी uh, की मंथली टैक्स रेवेन्यूज की बात करते हैं तो वहां पे भी वी आर अपवर्ड मूवमेंट तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच आर हेल्पिंग अस इन रिड्यूसिंग द फिजिकल हेल्पिंग इन फिजिकल कंसॉलिडेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वेन वी टॉकिंग अबाउट वॉट इज द फॉर्मूला फॉर फिजिकल डेफिजिट सो इट इज दोटल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू में भी दो कैटेगरीज कैपिटल रिसिप्ट प्लस द रेवेन्यू रिसिप्ट उसमें से वी टोटल रेवेन्यू में से वी आर सब्ट्रैक्टिंग द टोटल एंड टोटल एक्सपेंडिचर में वी आर जस्ट एडिंग अप द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जो डेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर होता है उसका एग्जाम्पल होता है जो गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो तो आपको अल्टीमेटली रीपे करना पड़ेगा वो आपकी इनकम में लाइक like, कैटेगराइज नहीं किया जाएगा तो ये फॉर्मुला होता है फिजिकल डेफिजिट का सिमिलरली रेवेन्यू डेफिजिट होता है उसमें सिर्फ हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं तो रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी द फॉर्मूला एंड प्राइमरी डेफिजिट जो होता है उसमें इज फिजिकल डेफिजिट माइनस दी इंटरेस्ट पेमेंट्स द गवर्नमेंट हैज टू डू एंड लार्जेस्ट शेयर ऑफ जो फिजिकल डेफिजिट है या जो गवर्नमेंट रीपेमेंट्स है वो इंटरेस्ट uh, पेमेंट्स ही होती है इंडिया के केस में Yes. 15.9 एक so, क्या, क्या uh, तो हमें ये क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर टैक्स uh, का शेयर ज्यादा है तो यहाँ पे मेन्शन भी है इन द फॉर्म ऑफ दिस डेटा एंड चार्टो

तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का शेयर इंक्रीज हुआ है मतलब जीएसटी से हमें ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है सो so, जैसे आपने बोला कि व्हाट व्हाट कैन बी द रीजन सो वन वी कैन से इज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट हैज बीन डन इम्पलीमेंटेशन ऑफ दी एस टी जिसकी वजह से फेसलेस टैक्स सिस्टम टैक्स कलेक्शन सिस्टम तो ईज ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स एंड देन टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द टैक्स बेस दो आर्ग्यूमेंट होती है आप टैक्स टैक्स रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हो अगर तो आप टैक्स रेस इंक्रीज इन टैक्स रेट इज नॉट इन सिनोजी विद द इंक्रीज इन देयर इनकम क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेट भी है साथ के साथ और चैलेंजेस के साथ जिसकी वजह से नॉमिनल इनकम तो इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है बट रियल इनकम इंक्रीज नहीं होती है So, ये एक तरीके से होते हैं। इसी में जब हम बोलते हैं तो उसका भी एक थ्रेश होता है, है लैप के केस में कि एक सर्टेन पीक अचीव होने के बाद अगर आप टैक्स रेट उसके बाद इंक्रीज कर रहे हो तो वो टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन ही करता है तो एक ये आर्ग्यूमेंट है सेकेंड आर्ग्यूमेंट है कि आप क्वांटिटी पे फोकस करो कि टैक्स बेस को एक्सपैंड करो सो so, उसमें हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं एंड उसमें एक बड़ा जो रिफॉर्म हुआ, हुआ है वो जीएसटी हुआ है जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन हुआ है एंड अगेन वी आर सीइंग द इंक्रीज्ड यूज़ेज़ ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स आल्सो सो डेटा मेंटेन करना एक इंपॉर्टेंट चीज है एंड uh, तो ये मेन चीज है जिसमें हम बोल सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू इज been increasing and also GDP increase economic activity is also increasing so we are in we can say a positive phase of growth so that is also contributed increase in the tax revenue of the government fancy. Mm -hmm. next we are talking about equalization levy pact between India and US so equalization levy से होगा क्या तो इट विल अलाउ इंडिया ताकि वो जो ई कॉमर्स सप्लाई सर्विसेज कंपनीज हैं उनको टैक्स कर पाए बेसिकली तो अमेरिकन कंपनी जैसे एप्पल है या फिर नेटफ्लिक्स है तो इस एग्रीमेंट के अंदर उनको टैक्सेशन उनके टैक्सेशन की बात बेसिकली की जाएगी सो पेला वन टैक्स रिजीम का है OECD, जो कि टैक्स लेवी करने की बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी ऑस्ट्रिया फ्रांस इटली स्पेन एंड यू के यहाँ पे भी एक ट्रांश अप्रोच की बात होती है इस पिलर के अंदर एंड इस पिलर वन को इम्प्लीमेंट भी किया गया इंडिया एंड विल ऑल्सो हेल्प इन डीलिंग विद्यू ऑफ टैक्सिफिकली जो की वर्ड है बेस या पेरेंट कंपनी इंडिया में लोकेटेड नहीं है बट अगेन उसका एक ब्रांच इंडिया में फंक्शन कर रहा है सर प्लस और प्रॉफिट आउट of india without paying taxes so for that also we can say ki ek टैक्स corporate tax ki bhi baat ki jati hai again by oecd but uh, we are not come to the final value of the tax rate ki whether it should be 10% or 15% and second is the equalization levy jo services trade key levy ki like goods trade or merchandise trade ke upar we import we impose the customs duty so this is the equalization levy would be for the services trade then next we talking about the global anti money laundering body and it has given thumbs up to India. so kya clear कौन सा test यहाँ पे clear करने की बात हो रही है regarding the FATF तो इंडिया का जो performance है mutual evaluation में तो एफ ए टी एफ ने इंडिया को प्लेस किया है रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी के अंदर ऑन म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट जो कि सिंगापुर में रिलीज की गई एंड किस लिए ये सिग्निफिकेंट है तो ये बेसिकली एडवांटेजेस हो सकते हैं इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एंड ओवरऑल हमें दिखाता है कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी है जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो अपनी इंटेग्रिटी को अपहोल्ड कर रहे हैं एंड अच्छी रेटिंग्स जो हैं बेसिकली ओवरऑल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में और ग्लोबल लेवल की इंस्टीट्यूशंस में इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम पे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगी जैसे कि ग्लोबल एक्सपेंशन देखा गया है यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो कि इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम है तो इन इसके भी ग्लोबल एक्सपेंशन में हमें और हेल्प करेंगे तो एफ जनरली दो कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर ब्लैक एंड इंडिया के case में पे जो देखा जा तो India ने अचीव किया है हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायस तो बेसिकली अच्छी रेटिंग इंडिया को मिली है जिसकी वजह से जो की हो सकता है डिफरेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जैसे की जैम स्कीम दैट इज जन धन आधार मोबाइल ट्रिनेटी इनके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हमने देखा है कि जो कम्प्लायंस है वो भी फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा इंक्रीज हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे टैकल कर रहे हैं हम सीरियस इश्यूज को कैसे टैकल कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को कैसे टैकल कर रहे हैं इन दी फाइनेंशियल सेक्टर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे so financial action task force it was formulated in 1989 out of the g7 meeting in paris and twin targets hote hain of combating money laundering and terrorist financing and also 2012 May uh, it added up countering the financing of proliferation of weapons of mass destruction and then we're talking about blacklist so blacklist Macse current countries are currently present listed in that is Iran North Korea and Myanmar so that is the latest. ग्रे लिस्ट में होता है कि अगर आप टाइमली बेसिस पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर नहीं करोगे फिर आपको ब्लैक लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ब्लैक लिस्ट में आपके लाइक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर एक तरीके से बहुत ज्यादा होती है आपकी उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी एक की ग्रोथ के ऊपर देखा जाता है आपकी कंट्री का

स्टार्ट होता है डेली के अंदर सीवियर फ्लडिंग कुछ देखी जाती दे है बहुत सारे स्पेसिफिक एरिया के अंदर तो ये जो पेरी प्रॉब्लम है जो कि हर साल मानसून के टाइम पे डेली के अंदर होती है फिर मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी होती है वाटर लॉगिंग की वजह से वाटर क्लॉगिंग की वजह से तो क्या प्लान होना चाहिए एंड क्यों ये हर साल हो रही है क्यों हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो डेली के अंदर स्पेसिफिकली देखा जाता है जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंपैरेटिवली पुराना है जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि टेरेन मैपिंग होनी चाहिए कि कौन सा हमारा जो स्पेसिफिक एरिया है ज्यादा वनरेबल है या फिर लो लाइंग है जहाँ पे ये पानी की जो प्रॉब्लम होती है वाटर क्लॉगिंग की ये ज्यादा होती है देन ड्रेनेज सिस्टम जो है जो बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग क्या वो उतना ही बिर्थ और बेसिकली डेप्थ के साथ जो ड्रेन है वो कंस्ट्रक्ट की भी जा रही है कि नहीं की जा रही है जैसे यहाँ दिखाया भी जा रहा है कि डी जो है वो कंप्लीट हो गया था एट्टी थ्री परसेंट ऑफ ड्रेन के लिए बट उसके बाद भी वो जो ड्रेन हैं वो इतना कम पानी की कैपेसिटी क्यों उनकी इतनी कम है तो उनकी कैपेसिटी को कैसे हम बढ़ा पाएंगे ड्रेनेज सिस्टम की उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए एंड इसके अलावा ये जो पेरिनियल प्रॉब्लम है इसको हम कैसे रोक सकते हैं अगले मॉनसून सीजन में उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल जो लाइफ है सिटीजन की उसको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होती है देन ऑल्सो वाटर बॉन्ड डिजीजेस इसकी वजह से इंक्रीज होएंगी एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसको भी ज्यादा डैमेज होता है तो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ हम कैसे डील करेंगे दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑल्सो वी से कि कॉन्क्रिटाइजेशन की वजह से जो लैंड की अब्जॉर्बशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है तो देर इज ओवर ऑफ वाटर सो so, जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन की या फिर माइंडफुल सिटीज की बात करते हैं तो कॉन्क्रिटाइजेशन से जो भी करंट मॉडल है जो वाटर की एब्जॉर्बन कैपेसिटी ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा जो कि अगेन तरीके से जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस है दिल्ली में उसका भी साथ में सोल्यूशन हमें मिल सकता पार्ट ऑफ सोलूशन से plan, में जो है so finances, so हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन डेली सो डिमांड इज इंक्रीजिंग सप्लाई लेस of the potable water when talking about the clean drinking water so rainwater harvesting infrastructure may investment karna is extremely important and ye bhi infrastructure say related eh, that only 40% of drains under the mcd वो डीसल्टेड जबकि वो क्लेम कर रहे हैं कि एटी थ्री परसेंट ऑफ दें जो है वो कर दी थी। तो डीसल्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे जो कैरिंग कैपेसिटी है की वो इंक्रीज होती है देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस की कैनपी जो क्रैश हुआ एयरपोर्ट के ऊपर एंड वी लॉस्ट वन पर्सन यहाँ पे So, सो दी आपके अकॉर्डिंग ये इमेज क्या हाईलाइट कर रही है सो कैन से

नेक्स्ट इज सोम टू बी फोकस इन दायसूर टूरिज्म सेक्टर तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड सोमनाथपुर में देखते हैं हम होर्किटेक्चर देखा जाता है इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो त्रिकोटा टेम्पल है मतलब थ्री शाइन्स यहाँ पे लोकेटेड है एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा और होयसाला आर्किटेक्चर जो है आप देख सकते हो जो इमेज भी है इसमें जो बेस है ऑफ दी दी टेंपल्स दैट इजाइट नेचर मतलब स्टार लाइक -like शेप्ड का है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या ओवल शेप नहीं है स्टार शेप्ड होता है टेंपल आर्किटेक्चर में एक यूनिक फीचर जो हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है एंड हौसाला क्या होता है एम्बलम का मतलब होता है कि एक वॉरियर जो है वो एक लायन के साथ फाइट कर रहा है उस सीन को डिटेक्ट किया जाता है तो जैसा आपने बोला स्टेलर स्टार लाइक -like शेप है इसकी एंड hmm. जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है वो रेस्ड प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द ग्राउंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज पेनल्टी तो यहाँ पे क्वेश्चन उठाया फॉक्सकॉन के हायरिंग प्रोसेस को लेके कितना क्या वो है, क्या वो वो है आने आने वाले को, आने वाले टाइम टाइम को में इक्विटी प्रमोट करने के लिए सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहाँ पे फोक्सकॉन के केस में देखा गया कि वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन देखा गया अगेंस्ट दी मैरिड वुमेन इन दी एम्प्लॉयमेंट इन दी एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर जिसमें फोक्सकॉन के केस में देखा गया कि वो स्पेसिफिकली हायर नहीं कर रहे थे मैरिड वुमेन को एंड खुद से ये ज्यूम कर ले रहे थे कि उनके ऊपर फैमिली या फिर प्रेगनेंसी कमिटमेंट होंगे तो इस एक सोशल सोसाइटल एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया है जिसमें वुमेन का जो करियर है उसको लिमिट किया है एंड ऑल्सो पॉलिसी चेंजेस आने चाहिए ऐसे कंपनी uh, के अंदर एंड कैसे हम सपोर्ट सिस्टम बढ़ा सकते हैं वुमेन के लिए इंडिया के अंदर तो क्यों सबसे पहले बात उठती है कि क्यों जो वुमेन है वो डिस्क्रिमिनेशन ऐसा फेस करती है एम्प्लॉयमेंट में जो कि हायरिंग प्रैक्टिसेस से स्टार्ट हो जाता है जैसे कि फॉक्सकॉन के केसेस में हमने देखा कि खुद से ही वो अज्यूम कर लेते हैं कि फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज होंगी ऑन दी मैरिड वुमेन तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन की बात कर सकते हैं कि वुमेन का जो रोल है वो ज्यादातर बायस देखा जाता है सोसाइटी के अंदर की फैमिली ड्यूटीज प्रायोरिटी पे होनी चाहिए रादर देन दी एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज दैट यू आर हैविंग तो फैमिली को प्रायोरिटाइज करने का जो प्रेशर है वो ज्यादातर सिर्फ विमेन के ऊपर ज्यादा देखा जाता है जिस जो कि उनके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है फिर वर्कलोड जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो प्रोफेशनल रोल भी निभा रही हैं एंड उसके साथ साथ फैमिली लेवल पे डोमेस्टिक को भी पूरा कर रही हैं जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है वीमेन की वो इम्पैक्ट होती है तो क्या करना चाहिए इसको एड्रेस करने के लिए जैसे यहाँ पे बात भी हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें हम मेन को एडुकेट कर रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी साइड से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उन में. या फिर डिस्क्रिमिनेशन लॉज है जैसे की इक्वल वेज होनी चाहिए उनको हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं उनमें जो लूप होल्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं देन वर्क प्लेस पे जो पॉलिसीज होती है उनको कैसे सपोर्टिव बना पाए जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनको कैसे फ्लेक्सिबल बना पाएं ताकि जो विमेन है वो अपने डोमेस्टिक रोल एंड प्रोफेशनल रोल दोनों को बैलेंस भी कर पाए जिसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन मिलता है अब हमें टेक्निकल सेक्टर के अंदर वो वुमेन को हेल्प करता है बेनिफिशियल होता है उनके लिए एंड एक डेटा जो यहाँ कि इंडिया में जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जेंडर डिस्पैरिटी अपार्ट फ्रॉम दिस एक क्वेश्चन ये भी उठता है की जो वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन है स्पेसिफिकली हाउस होल्ड फोर्स वेदर दैट शुड बी इंक्लूडेड इन जी डी पी और नॉट And then again, when we talk about that, currently the woman participation rate is at labor force participation rate is at thirty three percent. So when we take it to at least fifty percent, it would also give a buy-in effect to our GDP growth by at least two to three percent. So, when we talk about that, achieving that potential level of GDP or achieving the full employment level of GDP, increasing the woman participation is uh, very significant. Hmm. So, cultural issues, यहाँ पे हैं, हैं वो वो भी responsible होते हैं इनके लिए, क्या क्या जो women है, क्या वो multitask कर पाएंगी, उनकी उस एबिलिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है एंड ऑल्सो पेटर्निटी लीव जो होती है जो कि पेड लीव होती है फ्रॉम दी साइड ऑफ कंपनी उसको भी एक तरीके से uh, देखा जाता है कि कंपनी को अपनी तरफ से मनी स्पेंड करना होगा एंड प्रोडक्टिविटी उनको उतनी नहीं मिल पाएगी तो इस वजह से भी वो लोग अवॉइड करते हैं कि जो मैरिड वेमेन है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उनकी पर्सनल कमिटमेंट्स होंगी इस वजह से वो अवॉइड करते हैं कि फेटर्निटी लीव भी नहीं लेनी पड़ेगी तो वो मैरिड वेमेन को कम हायर करते हैं ये ऐसा एक पैटर्न देखा hmm. नहीं हाँ मैरिड के लिए हम इतनी सारी जजमेंट्स रखते हैं बट जब मैरिड मेन की बात आती है तब ऐसी on so के हम कल्चरल इशूज की बात करते हैं मैन के केस में हमने कभी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनी hmm. तो एक तरीके से जो ये हमारे माइंड सेट में वी जजमेंट फॉर द वुमेन मैरिड और अनमैरिड तो उसका सोल्यूशन होना इम्पोर्टेंट है देन वी कैन टॉक अबाउट कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं बाकी लेजिस्लेटिव स्टेप जो लिए जा रहे हैंट like, uh, भी कर पाएंगे एंड ऑल्सो मेन का रोल जैसे कि हम बोलते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए वुमेन टू वुमेन कॉन्टैक्ट तो जरूरी है ही बट ये आर्टिकल ये भी हाईलाइट करता है कि मेन का जो रोल है वो भी कितना ज्यादा जरूरी है क्योंकि पर्सनल लाइफ yeah. में जब उनका स्ट्रेस कम होगा तो तभी वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएंगे तो जो मेन का ओवरऑल रोल है कल्चरल इश्यूज को कम करने में उनका इम्पैक्ट कम करने में वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देन नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस फॉर न्यू क्रिमिनल लॉज ये कंसर्न है एंड नेशन नेशनल लेवल पे एक ऑडिट की जरूरत है ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है तो रिसेंटली आए थे भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के अंदर जिसने रिप्लेस किया आईपीसी 1860 को देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल भारतीय सक्ष बिल तो यहाँ पे बात हो रही है कि इनके थ्रू बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है कैसे हम इनको चेंज करेंगे कैसे डाइल्यूट करेंगे सिविल लिबर्टीज को एक्सपैंड करेंगे पुलिस की पावर को एंड वो कैसे इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम बात करते हैं कि प्रोसिक्यूट करने की पनिश करने की प्रिवेंट करने की एंड ऑल्सो क्राइम को डिटेक्ट करने की ताकि जो लोग हैं उनकी जो राइट्स है उनको हम सेफ गार्ड कर पाए तो नए बिल आए हैं इनमें कुछ चेंजेस लेके आए गए हैं जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर हमने बात की थी कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन है या फिर ऑफेंसेस जैसे कि रेबेलियन आर्म रेबेलियन सेपरेटिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट जो कि काफी हीटेड इश्यूज हो जाते हैं उनको और अच्छे से डिफाइन हम कर पाए ताकि उनको प्रिवेंट कर पाए उतनी अच्छे से एंड देन आल्सो क्रिएट कर पाए तो टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है ट्रायल्स के अंदर जिससे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस आए हैं जिसमें सर्च एंड सीजर जो होता है पुलिस के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाने लगा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट किया जाने लगा है तो ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं जो इन बिल्स के थ्रू आ रहे हैं एग्जिस्टिंग क्वेश्चन लॉज है उसके अंदर ही हम एडिशन कर दें हाउ एवर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लॉसेज के अंदर इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि हम नए बिल्स लेके आए नए बेसिकली कोड लेके आए सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे यूए पी ए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसके साथ साथ पोटा दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट दैट इज टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज इन प्रिवेंशन एक्ट ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं इनके अंदर कुछ क्लॉज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिनको डिलीट किया गया है एंड अपडेट किया गया तो है तो इश्यूज क्या हैं अभी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इश्यूज की बात करते हैं सबसे पहले जो इम्पैक्ट करता है वो आता है कि केसेस काफी ज्यादा हैं एंड पेंडेंसी काफी ज्यादा है जिसमें कोर्ट्स के ऊपर एंड आल्सो पुलिस के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है एंड जो पब्लिक ट्रस्ट है वो हैम्पर होता है इसकी वजह से क्योंकि जो प्रोसेस है जस्टिस डिलीवरी का वो काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस बन जाता है तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो वेकेंसीज हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर उनको हम कम करें वैकेंसीज़ को एंड बेसिकली हम लोगों को रिक्रूट करें इसके बाद और रिसोर्सेज

रिपेल करना चाहिए उन पे एक्शन हमें लेना चाहिए तो डिफरेंट कमिटीज भी है वोरा कमेटी मलिमत कमेटी जो कि सोशल वेलफेयर ऑफेंसेस की बात करते हैं नई कैटेगरीज लाने की बात करते हैं रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है कि कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं सो वी कैन

उनके बारे में कि नहीं होनी चाहिए इनको पास करने के लिए एंड पूरे तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए रिसेंटली हमने देखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपॉइंट किया गया आफ्टर टेन इयर्स तो वो इसमें एक रोल प्ले करेंगे मेक श्योर sure करने में कि फुल्ली डिबेट एंड डिस्कशन हो रही है एंड उसके बाद ही लॉज को पास किया जा रहा है जैसे कि नीट स्कैंडल है जो कि पब्लिक ट्रस्ट को हैम्पर करता है हमारे इंटेग्रिटी एंड सोवनिटी को हैम्पर करता है पूरे आ, हमारे जुडिशल तो ऐसे जो बड़े स्कैंडल है या फिर सेंसिटिव टॉपिक है ग्रेट निकोबार जैसे प्रोजेक्ट्स हैं क्या उनके ऊपर इनफ डिस्कशन एंड डिबेट हो रहा है पास करने से पहले वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है जैसे ट्राइबल मिनिस्ट्री को क्या आपने कंसल्ट किया बिफोर पासिंग दी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट या फिर जो पंचायत का रोल होता है ताकि बेनिफिशरीज को आप ढंग से अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाए क्या वो पूरा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसके लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिसेंटली हमने देखा वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेंगे

तो यहाँ पे बात आती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एक्सप्रेशन जो कि गारंटीड है आर्टिकल नाइनटीन के अंदर तो ऑपोजिशन लीडर्स की इन सारी ही राइट्स को हैम्पर कर दिया गया पे तो आर्टिकल थ्री सेवेंटी थ्री फिफ्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है कि जो प्रेजिडेंट है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कैन डिक्लेयर एमरजेंसी

तो ये प्रोक्लेमेशन जो है इमरजेंसी का ये अप्रूव होना चाहिए पहले दोनों हाउसेस में ऑफ द पार्लियामेंट विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स दशुएंस इस तो जैसे इशू इस हुआ उसके एक मंथ बाद के टाइम पीरियड के अंदर अंदर दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के जरूरी है कि वो अप्रूव करे इस प्रोक्लेमेशन को अगर जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है वो इशू कर दिया गया ऐसे टाइम पे जब लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो चुका है उट विशनो तो फर्स्टर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग इट एंड इतने टाइम में राज्यसभा को राइट दी जाएगी कि वो इसको अप्रूव करे जब तक हमारा जो सिटिंग है वो नई बैठ रही है फॉर दोकसभा अगर दोनों हाउसेस इमरजेंसी को अप्रूव कर देते हैं तो ये जो एमरजेंसी है ये कंटिन्यू करती है फॉर सिक्स एंड इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल जाता है हर छह महीने पे तो रेवोकेशन कैसे होगा इस प्रोक्लेमेशन का रिवोक इसको कर सकते हैं प्रेजिडेंट ऐसे टाइम पे जहां पे पार्लियामेंट्री uh, अप्रूवल की जरूरत भी नहीं होती है प्रेजिडेंट जो है वो ही रिवोक कर सकते हैं इस प्रोक्लोमेशन को

तो जुडिशल रिव्यू कैसे होगा नेशनल इमरजेंसी के ऊपर इसमें हम अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थर्टी एथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें नेशनल इमरजेंसी जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से जुडिशल रिव्यू लगेगा ही नहीं उसके ऊपर फिर आया फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें रिपेल किया गया इस प्रोविजन को जो कि थर्टी एथ अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लाया गया था एंड रिस्टोर किया गया कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसके ऊपर भी जुडिशल रिव्यू एप्लीकेबल है मेनेरवा मिल्स केस आया नाइनटीन एटीज के अंदर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर अगर जिस बेसिस पे वो डिक्लेयर किया गया है वो वैलिड नहीं है तो तो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल जो है वो डिफरेंट आर्टिकल के अंदर कवर्ड होता है जिसमे आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंदर वो आता है कहाँ कहाँ पे लग चुका है जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर देखा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी आफ्टर द असेंबली इलेक्शन टू थाउजेंड नाइनटीन में वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था अगर इसके जुडिशल रिव्यू की बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रेजिडेंट रूल जो है वो भी जुडिशल रिव्यू के अंदर आता है तो इसके ऊपर भी जुडिशल रिव्यू लगता है हम्म एंड आर्टिकल थ्री सिक्सटी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं इंडिया में अभी वो एक बार भी इम्पोज नहीं हुई है सिंस इंडिपेंडेंस हम्म फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड उसके अंदर भी जो प्रेसिडेंट है वही डायरेक्ट करेंगे कि सैलरीज है अलाउंसेस है डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स की उसको कैसे रिड्यूस किया जाएगा हाँ मतलब दे कैन बी रिड्यूस्ड इवन फॉर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस आल्सो

And impact, उसका हमने देखा. Acts हम किया है, जिससे दे रिव्यू काबल हैटी उसमें को कितनी लिमिट तक हम सस्पेंड कर सकते हैं एंड एमरजेंसी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है प्रेसिडेंट की कि वो रिटर्न रिकमेंडेशन कैबिनेट को उसकी बात करते हैं आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के अंदर ताकि एक तरीके से डिक्टेटरशिप को इमरजेंसी के टाइम पे हम लिमिट कर पाए और जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा पाए जुडिशल एक्टिविज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है

को मिला था विच अगेन लेटरेशन ऑफ ह्यूमन राइट सो यू टू कंट्रोल देशन दिस इज नॉट दू हम ड्यू प्रोसेस की बात करते है सर्टिफिकेट दिया जाता था एंड ट्रक ड्राइवर ड्राइवर्स जैसे देखा जा रहा है कि उनको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा अगर उन्होंने उनके पास स्टेरलाइजेशन सर्टिफिकेशन नहीं है तो तो ऐसे मेजर्स भी लिए जा रहे थे उस टाइम पे बाय दी लोकल गवर्नमेंट्स सो दैट इज ऑल फॉर टुडे इट वाज अ रियली कॉम्प्रिहेंसिव सेशन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग अनसरकारी थैंक यू